कहाँ पे? अभी तो यहाँ पे है, एक बच्चा डूब गया उसमें, बोलिए ना। 3 बजे सूचना मिली कि 3 बच्चे जो हैं कुल्लीकोट थाना के सामने पोखर में डूब चुके हैं। तो उसके आलोक में फिर SDRF की टीम को कॉल किया गया, SSB की टीम को कॉल किया गया, दोनों टीम यहाँ पहुँच चुकी है और शवों की खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक शव कोई बरामद नहीं है। कहाँ के हैं बच्चे? मैम बच्चे तो यहीं आसपास कुल्लीकोट के ही बताए जा रहे हैं और नहाने के क्रम में उनकी डूबने से मृत्यु हुई। नहाने के क्रम में? तो ये तो अभी बच्चे मिले नहीं है क्या? अभी तक तो मिले नहीं है, खोजबीन जारी है। अगर आज नहीं मिले तो कल ही खोजबीन जारी रहेगी। कितने सदस्य टीम आए हुए हैं SDRF में? SDRF की मुझे लग रहा है कि 10 सदस्य टीम आई है और SSB की भी। हेलो, हाँ हेलो, तो बच्चा बोले आया था, हाँ बच्चा आने के बाद बोले डूबने के लिए आया था, डूब गया बच्चा। एक तो हकीम का है, एक तो फकीर का है, एक तो बिनू का है। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 2 का है, 6 है, 1 है कनकपुर, कनकपुर पंचायत का है, 2 वार्ड की। देखिए बच्चा 1:30-2 बजे नहाने के क्रम में आया होगा और बच्चा को पता नहीं था कि ये गढ़ा है और उसमें शायद नहाने गया होगा तो बच्चा डूब गया है। कहाँ के हैं ये बच्चे, कौन हैं बच्चे? ये तीनों बच्चे, 2 बच्चे जो है गुलशन बिट्टा गांव चूली पंचायत के हैं और 1 बच्चे कनकपुर के हैं जो कि सियालडंगा गांव के हैं। और तीनों बच्चे की उम्र लगभग 8-9-10 साल के बीच ही है। क्या करने आए थे ये लोग? नहाने के क्रम में शायद ये लोग, बच्चा को नहीं पता था कि ये गहरा पानी है और डूब गया और ये लोग अभी तक इन लोगों की तलाश जारी है, नहीं मिल रहा है। प्रशासन की टीम आई भी है? जी जी जी, प्रशासन की टीम तो देख रहे हैं, मुस्तैद है एकदम, बिल्कुल पहले से पहुंची हुई है। हमारे जो CO हैं बड़ा एक्टिव भी हैं, लोकल थाना भी है और SSB के सारे लोग पदाधिकारी जो है आए हुए हैं और उन लोगों का, मैं NDRF भी टीम पहुंच गई है, मैं इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने समय आ गया है और तलाश जारी है। इस तरह का मामला जो है किशनगंज जिले क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे परिजनों से? देखिए परिजनों से यही कहना चाहेंगे कि बरसात के समय खास करके बच्चों को कम से कम जहाँ पर भारी भरकम तालाब हो, जहाँ की गहरा पानी गहराई हो, वहाँ नहीं जाएँ। और बच्चों को कम से कम समझाएं कि गहरे पानी में नहीं जाना है। इसी तरह से जो हर माँ बाप का ये दायित्व भी बनता है, क्योंकि बच्चों तो अनजान होते हैं, उन लोगों को जानकारी होती नहीं है कि यह गड्ढा है कि क्या है। बच्चे उतर जाते हैं नहाने के लिए और डूब के अपनी जान गंवाना पड़ता है, बहुत ही दुखद घटना होती है।